नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड की नई वैकेंसी के बारे में जिक्र किया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर भी करिए। तो देखिए दोस्तों, यह आपका पूरा फॉर्म 4 पेज है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको सभी कॉलम्स की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको पहला पेज, यहाँ पर ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड, नीचे चलकर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला कॉलम है ये है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए करें, डिप स्टाफ के लिए या फिर हेड डिपार्टमेंट के लिए या फिर ब्रांच फील्ड के लिए, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। अब इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला कॉलम है यहाँ पर अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका अपना पूरा नाम जो है वो यहाँ पर लिखना होगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी डेट लिखनी है, यानी कि DOB जो है वो आपकी यहाँ पर लिखनी है। और दोस्तों आपकी जो DOB वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबसे मैच होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको अपनी एज लिखनी है, तो यहाँ पर आप अपनी एज लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अपनी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर लगानी होगी, आपकी जो फ़ोटो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नई होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें आपके सेक्स के बारे में पूछा गया है, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप टिक कर देंगे। इसके बाद अपनी नेशनलिटी और रिलीजन यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है, आप BC से, OBC से, SC या जनरल, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यानी कि उसके सामने टिक कर देंगे। अब इसके बाद अपना नेटिव पैलेस लिखना है, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने गलती से एड्रेस नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा, आपका विलेज, टाउन, सिटी, आप जहाँ पर रहते हैं, आपका हाउस नंबर, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देनी होगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो कॉलम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। तो जो पहला पॉइंट है इसमें आपके टूरिटी लिखना है, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़नी आती है, तो हिंदी, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टू राइट, यानी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो जो लैंग्वेज लिख सकते हैं उसका नाम लिखेंगे। और टू स्पीक, यानी कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों कॉलम आपको बड़े ध्यान से फिल करने होंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास ये सभी हैं तो सभी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो जो डिटेल्स हैं उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, इसके अलावा और जो बाकी उनको फिल कर देंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जो उनको फिल कर देंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर आपके फादर और मदर का नाम पूछा गया, यानी कि आपके माता और पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों, ये पूरा फॉर्म ही आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अगर आपने कहीं छोटे वर्ड्स का यूज किया या फिर हिंदी का यूज किया तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है। ये जो पूरा फॉर्म है आपको इंग्लिश में भरना होगा। और दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसका भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस भर्ती का लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर आपको मैरिट स्टेटस बताना है, यानी कि आप सिंगल हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो आपको अगर शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज सिंगल पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर अगला जो कॉलम है स्पोज नेम, यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का नाम लिखना है। और इसके बाद अपने जो जितने चिल्ड्रंस हैं उनका नाम लिखेंगे। और इसके बाद नंबर ऑफ अदर डिपेंडेंस, यानी कि दूसरे आश्रित लोगों का संख्या, वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर आपकी हॉबीज पूछी गई हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या, रीडिंग, क्रिकेटिंग या फिर राइटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है, अगर आपके पास दो एड्रेस हैं तो पहला जो है वो आपको नेटिव पैलेस में फिल करना है, जो ऊपर हमने फिल किया था, और यहाँ पर अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी दूसरा एड्रेस है वो फिल करना होगा। अदरवाइज आप इसी जगह पर वो जो नेटिव वाला एड्रेस उसे सेम फिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर आपकी मेल आईडी पूछी गई, यहाँ पर आपको अपने मेल आईडी और उसके बाद आपका फोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर लिखने हैं। दोस्तों, आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर है ये वैलिड होने चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट जो आपसे आगे चलकर कॉन्टेक्ट कर सके। तो दोस्तों, ये था पहला पेज, अब इसके बाद हम दूसरे पेज की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी भर्ती के बारे में तुरंत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए सेकंड पेज। तो देखिए दोस्तों, ये सेकंड पेज, इसमें जो पहला कॉलम है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेफरेंस पूछी गई है, टू रेफरेंस टू बी गिवन, फोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, यानी कि आपके कोई और रिलेटिव या फिर आपकी फैमिली के दो फोन नंबर आपके यहाँ पर लिखने हैं और साथ में उनके एड्रेस भी लिखने हैं। यहाँ पर आप अपने रिलेटिव के या फिर अपने फ्रेंड्स के भी एड्रेस लिख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया, यानी कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10वीं कोई थी, किस ईयर में की थी, आपके सब्जेक्ट कौन से बोर्ड से की थी और कितने परसेंट मार्क्स आए,
इसके बाद आपकी प्लस टू कब की थी, सब्जेक्ट साथ में आपने जो किस बोर्ड से की थी और कितने परसेंट मार्क्स आए, इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देनी होगी। ये सभी कॉलम्स दोस्तों आपको बिल्कुल सेव स्टेक फिल करने होंगे। अब इसके बाद आगे चल के देखिए दोस्तों, अगला जो टेबल है इसमें आपसे पूछा गया है टेक्निकल इंक्लूडिंग कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कंप्यूटर में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपने कौन सी ईयर में पास किया था, सब्जेक्ट क्या थे, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी और साथ में कितने परसेंट मार्क्स आए, ये सभी डिटेल्स आपको बिल्कुल सेव स्टेक देनी होगी। और साथ में दोस्तों ये जो 10th 11th 12th और साथ में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा जितने सर्टिफिकेट या फोटो कॉपीज है इनकी सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको इस एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करनी होगी। हालांकि दोस्तों ओरिजिनल फोटो कॉपीज यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं भेजनी है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए NCM या फिर AFMI इंश्योरेंस मॉड्यूल्स, ये सभी अगर आपके पास हैं तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल नंबर लिखना है। इसके बाद ये डेट ऑफ पासिंग वो वैलिड अप टू और साथ में कितने परसेंट मार्क्स आए, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो दोस्तों ये था सेकंड पेज। अब इसके बाद जो थर्ड पेज हम उसके चलते हैं। और दोस्तों अब इसके बाद ये जो अलग टेबल है इसमें अदर्स पूछा गया है, अगर आपके पास कोई और डिग्री है, कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पर उसकी डिटेल दे सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग कब पास की थी, सब्जेक्ट क्या क्या थे, यूनिवर्सिटी और परसेंट ऑफ मार्क्स जो है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। अब इसके बाद आगे चल कर देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है, यानी कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर यूनिवर्सिटी में कहीं पर काम किया है, आपकी नौकरी क्या थी, आपने कब काम किया था, कब से कब तक, यानी कि पीरियड ऑफ सर्विस, यानी कि आप किस डेट को ज्वाइन किए थे और किस डेट को रिटायर हुए थे, और इसके बाद जो प्रोफाइल और अचीवमेंट, और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपका एनक्लोमेंट ड्रोन पर एनम एट कॉस्ट इन टू कंपनी बेसिस, यानी कि आपकी जो लास्ट ड्रोन स्लिप थी, यानी कि आपकी जो पेमेंट स्केल था वो आपको यहाँ पर लिखना है, और इसकी दोस्तों जो लास्ट आपने जो पेमेंट ली थी उसकी स्लिप भी आपको यहाँ पर इसके साथ अटैच करनी होगी। तो दोस्तों ये पूरे पेज में केवल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है, अगर आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट पेज है यानी कि जो लास्ट पेज और फोर्थ पेज है हम उसकी ओर चलते हैं। हालांकि दोस्तों फोर्थ पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर शुरू में आपको एक्सपीरियंस की इनकी डिटेल पूरी टेबल दी गई है, आपको जितने भी एक्सपीरियंस है वो सभी यहाँ पर फिल कर देने, काफ़ी लंबी टेबल है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आगे चलकर आपकी डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ पर आपको अपनी डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपको डेट और प्लेस लिखनी है। तो दोस्तों ये था पूरा फॉर्म, आई होप कि आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन लेटर को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।